देखते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होगी। आपको बता दें, रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी की जाएगी। 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प भी आज इस बैठक में एक तरह से इस पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें, बकाया भुगतान 6 किश्तों में जमा करने की सुविधा पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी में सरकार है। तो 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने के विकल्प पर भी आज उस बैठक में चर्चा हो सकती है। बकाया भुगतान 6 किश्तों में जमा करने की सुविधा पर भी चर्चा हो सकती है। रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, एक तरह से कहा जाए आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम है। कल हमने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन को लेकर, और आज रेत ठेकेदारों को फायदा मिल सकता है, उनके लिए बैठक होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास बैठक से जुड़ी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और इसमें मुख्य रूप से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके स्टाइपेंड का जो मामला था, हमने देखा कि बीते दिनों जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर रहे। उनकी मांग थी कि जो स्टाइपेंड है उसमें 24% तक वृद्धि दी जाए, और इसके बाद आश्वासन ज़रूर जूनियर डॉक्टर्स को सरकार की ओर से मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी थी। तो ये प्रस्ताव आज मुख्य रूप से जो कैबिनेट की बैठक है इसमें रखा जाएगा, और ये माना जा रहा है कि इसको अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा रेत ठेकेदारों को भी छूट देने का जो प्रस्ताव है वो आएगा। सीएम राइज स्कूल जो पूरे मध्य प्रदेश में खोलने का सरकार प्लान कर रही है, ताकि बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो ननिहालों को मिल सके, इसके प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा शुभांगी, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है और जो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए जो योजनाएँ हैं उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ मंथन करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से कृषि को लाभ का धंधा बनाना है, मूंग की समर्थन मूल्य पे जो खरीदी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं इनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। शुभांगी, बिल्कुल वासु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, आज की ये बैठक काफी अहम होने वाली है। चाहे कृषि विभाग से जुड़ी चर्चा करनी हो, चाहे रेत ठेकेदारों को राहत देनी हो, आज की बैठक से काफी कुछ सामने आ सकता है। और बता दें, 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने की जो मांग की गई थी रेत ठेकेदारों द्वारा, उस पर आज उसका एक विकल्प निकाला जा सकता है इस बैठक में।